और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। अथर्व वेद में कहा गया है कि दुष्टता पूर्ण कर्म चाहे छोटे हों अथवा बड़े हों, अंत में करने वाले का ही सर्वनाश करते हैं, उनका प्रतिफल उन्हें ही भोगना पड़ता है। कर्म के फल से बच पाना असंभव है, इसीलिए सदैव अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है, गायत्रया सर्व संसिद्धिरिद्धि जनाम श्रुति समता, अर्थार्थ वेद वर्णित सारी सिद्धियां गायत्री उपासना से मिल सकती हैं। इस संदर्भ में देवताओं, ऋषियों, महर्षियों, सिद्ध संत महापुरुषों ने भी अपने अनुभवों की चर्चा की है, जिससे गायत्री की सर्वोपरि महत्ता का प्रतिपादन होता है और इस तथ्य का समर्थन होता है कि जिन्होंने भी गायत्री उपासना का अवलंबन लिया है, उन्होंने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त की हैं और आप्तकाम बने हैं। यानी गायत्री साधना से सिर्फ आपको मन की शांति नहीं मिलती, सिर्फ आपकी आत्मिक उन्नति ही नहीं होती, बल्कि आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होती है। भौतिक सुखों में वृद्धि होने का मतलब ये नहीं कि आप उन भौतिक साधनों में डूब जाएं। माँ गायत्री आपको आप्तकाम बनाती हैं, यानी इन सारी सुख सुविधाओं से आपका मोह भी भंग करके आखिर में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी कराती हैं। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में उच्च सफलताएं प्राप्त करने वाले सिद्ध साधकों का इतिहास बताता है कि इनमें से अधिकांश ने गायत्री महाशक्ति का ही आश्रय लिया और आत्मोन्नति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचे। कठिया बाबा भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें गायत्री की सिद्धियां प्राप्त थीं। ब्रजभूमि वृंदावन को अपनी तप स्थली बनाने वाले कठिया बाबा कुछ समय पूर्व तक अपनी विभूति और रिद्धि सिद्धियों के कारण सर्वसाधारण के केंद्र बने हुए थे। नाम तो उनका था महात्मा रामदास, परंतु वे काठ की कोपीन पहनते थे, इसीलिए लोग उन्हें कठिया बाबा के नाम से ही जानते थे। इस काठ की कोपीन के अलावा उन्होंने शरीर पर भी कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। सिद्ध संतों की एक विशेषता होती है कि उनके प्रारंभिक जीवन के संबंध में प्रायः किसी को विशेष कुछ मालूम नहीं होता है, ना वे स्वयं इसका परिचय देते हैं, क्योंकि कौन किस परिवार में जन्मा, किसका बचपन कैसा व्यतीत हुआ, ये नितांत महत्वहीन है। लौकिक दृष्टि से किसी का जीवन चरित्र लिखने में इन बातों की आवश्यकता भले ही अनुभव हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इन जानकारियों का अर्थ या महत्व ना के बराबर है। सो कठिया बाबा के संबंध में भी किसी को अधिक कुछ नहीं मालूम। यदा कदा चर्चा प्रसंगों में वे अपने पूर्व जीवन के बारे में कोई संकेत भी करते थे तो वह केवल आध्यात्मिक जीवन से ही संबंधित होता था। महात्मा रामदास को यानी कठिया बाबा को बचपन से ही गायत्री उपासना में रुचि हो गई थी। अपने गाँव के एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर वे नियमित रूप से गायत्री जप करते थे। एक दिन कोई महात्मा उनके पास आए। बालक रामदास को उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में देखा तो देखते ही रहे। ध्यान जब पूरा हुआ तो उन महात्मा ने रामदास से अकस्मात ही कहा, बेटा तुम गायत्री उपासना करते हो ना? जी हाँ महाराज, रामदास जी ने कहा और महात्मा के चरणों में प्रणाम कर लिया। आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा ने कहा, गायत्री कामधेनु है, ये अपने उपासक की समस्त कामनाएं पूरी करती हैं। जीवन में कभी भी उस उपासना को तुम मत छोड़ना, निरंतर प्रगति करते जाना। जिज्ञासावश रामदास ने पूछा, प्रगति के लिए क्या करूं महाराज? महात्मा का व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि रामदास उन्हें देखते ही श्रद्धा से अभिभूत हो उठे। महात्मा ने उन्हें बहुत देर तक गायत्री उपासना का मर्म रहस्य समझाया और कहा, यदि तुम 125,000 गायत्री का जप कर लो तो तुम्हें गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा। रामदास ने महात्मा जी की बताई विधि के अनुसार ही श्रद्धा निष्ठा पूर्वक 125,000 का गायत्री अनुष्ठान आरम्भ किया। साधना काल में उन्हें विचित्र अनुभूतियां होती थीं, कभी एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती थी तो कभी विचित्र दृश्य दिखाई
देने लगते थे। जब जाप के लिए बैठते तो मन ध्यान में ऐसा लगता कि पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। कई बार उन्हें ध्यान करते करते ही गायत्री की छवि भी दिखाई देने लगती। ध्यान में मन इतना एकाग्र हो जाता था कि अपने शरीर की कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। इन अनुभूतियों से रामदास के मन में उथल पुथल तो होती थी, पर उन्हें बताया जा चुका था कि ऐसी अनुभूतियां स्वाभाविक हैं और इस बात का संकेत भी कि साधना ठीक प्रकार से चल रही है। बालक रामदास प्रातः 4 बजे ही उठकर और नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद शांत निर्जन में स्थित उस वट वृक्ष के नीचे जा बैठते, जहां प्रायः कोई आना जाना न था। वहीं एकांत में 3-4 घंटे तक वे साधना करते रहते। अनुष्ठान पूरा होने में 1 सप्ताह का समय शेष था कि रामदास जी को सामने ध्यान के समय दिखाई देने वाली छवि साकार हो उठी। वह छवि माँ गायत्री की ही थी। आशीर्वाद मुद्रा में दृष्टिगोचर हो रही छवि ने रामदास को इंगित कर कहा, वत्स, अब तुम शेष जप ज्वालामुखी पर जाकर संपन्न करो। रामदास जी ने अपनी आराध्य शक्ति का आदेश स्वीकार किया और ध्यान पूरा होते ही बिना घर की ओर मुख किए ज्वालामुखी की ओर चल दिए। ज्वालामुखी उनके गांव से 70-80 मील के अंतर पर था। उन्होंने ये यात्रा पैदल ही संपन्न की और वहां जाकर शेष जप उन्होंने पूरा किया। गायत्री अनुष्ठान पूरा होने के बाद भी उनकी उपासना का यही क्रम रहा। लौकिक कामनाएं क्षीण हो गईं और आध्यात्मिक चिंतन में ही चित्त निरत रहने लगा। कहते हैं कि गायत्री सिद्ध होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें प्राप्त ना हो। लौकिक कामनाएं क्षीण होने के बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और केवल 1 काठ की लंगोटी पहनने लगे। आप्त काम होने के बाद उन्हें कई दिव्य शक्तियां, अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उन्हें दूर दृष्टि प्राप्त थी। कहीं की भी कोई भी बात वे बिना बताए ही जान लेते थे। कितने ही लोगों को उन्होंने गायत्री उपासना में प्रवृत्त किया और उन्हें सफलता की मंजिल तक पहुंचाया। उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनके शिष्यों पर कदाचित कोई संकट आता तो उन्हें अनायास ही वे दूर कर देते थे। उनकी वाक सिद्धि बड़ी विलक्षण थी। जो कह देते थे वह होकर ही रहता था। उनके निकटवर्ती लोगों को प्रायः संदेह बना रहता था कि बाबा कोई गुप्त धन रखते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी जाते उससे वे बिना भोजन कराए न जाने देते थे। इसलिए उनके पास रहने वाले निकटवर्ती जनों को यह संदेह होना स्वाभाविक था। गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोभी परिवार के लोगों ने उन्हें 3 बार विष भी दिया, परंतु कठिया बाबा पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने योग बल से ये भी जान लिया था कि विष किसने दिया है। विष देने वाले को उन्होंने बुलाकर ये भी बता दिया और उसे क्षमा भी कर दिया। ये गायत्री उपासना का ही प्रभाव कहा जाएगा कि जो उनके समक्ष जाता था श्रद्धा से झुक जाता था। जीवन भर वे गायत्री के महात्म व इनके कामधेनु का पय पान कर जीवन का सौभाग्य उदय करने का संदेश जन जन को देती रहे। जिनके मन में कभी संशय उठता हो कि गायत्री मंत्र जप से सिद्धियां मिलती हैं, उनके लिए कठिया बाबा जैसे संत का जीवन जीता जागता प्रमाण है। चमत्कार को नमस्कार की परंपरा में तुरंत लाभ प्राप्त करने के लिए अगणित व्यक्ति ठगे देखे जाते हैं। यदि सही विधि विधान को अपनाते हुए अपना जीवन गायत्रीमय बना दिया जाए, ब्राह्मणत्व की सच्ची साधना की जाए, तो साधक के रोम रोम में सिद्धियां फूट पड़ती हैं। ये तथ्य आज भी उतना ही सही है जितना कि प्राचीन काल में कभी था। गायत्री साधना से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं और कैसे, हमारे सामने जीवंत उदाहरण बने श्री कठिया बाबा। हम सभी की कठिया बाबा से प्रार्थना है हमारे जीवन में भी गायत्री माँ का अनुग्रह बरसे और हम भी हमारे संतों के पीछे पीछे चल पड़ें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।